भाइयों और बहनों, बहन जी को यूपी से बाहर करने का जो खेल खेला गया वो उन्हें आज नहीं 23 मई के बाद समझ आएगा। याद रखिए, इस समाजवादी खेल के बीच जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया बताया, कदम कदम पर अपमानित किया, उन्हीं के लिए अब बहन जी वोट मांग रही है। 5 साल पहले ही इसी जौनपुर में बहन जी ने कहा था कि बाप से अधिक जहर बेटे में है। कहा था कि नहीं कहा था? ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? बहन जी ने कहा था कि नहीं कहा था? बेटा ज्यादा जहरीला है, ये किसने कहा था? किसने कहा था? तो बहन जी, जरा ये भी तो बताइए कि क्या अब आप उस जहर को गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, क्या उनमें बांटने के लिए आटे लगे चक्कर काट रही हो क्या? साथियों, सपा हो या बसपा, इन्होंने यूपी में यही राजनीति की है। ये आपस की जातिवादी दुश्मनी के कारण यूपी के लोगों के साथ भेदभाव करती रही। ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा, 2.5 साल पहले तक आपको बिजली कितनी मिलती थी और कैसे मिलती थी, ये याद है ना? याद है ना? बुआ बबुआ की सरकारों में किसी जिले में बिजली सप्लाई सुविधा नहीं, स्टेटस सिंबल बन गई थी। जहां का मंत्री जितना पावरफुल, वहां उतनी ही ज्यादा बिजली। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? इतना ही नहीं, जो सत्तासीन पार्टी का वोट बैंक नहीं है उसको सुविधाओं से वंचित किया जाता था, लेकिन योगी जी की अगुवाई में भाजपा सरकार आई तो सबका साथ सबका विकास, सबका साथ इसी मंत्र से यूपी में समाज के हर तबके की, हर इलाके की बिना भेदभाव सबके घर में बिजली पहुंच रही है।